ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक के रिलेशनशिप होते हैं। सामने वाले देश से अगर कोई मदद चाहिए होती है, उसे कुछ फेवर चाहिए होता है, तो उसको भी हमें कुछ बदले में ऑफर करना पड़ता है। एंड जिन देशों के पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं होता, उन देशों को बाकी सभी देश इग्नोर करते हैं। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन, जर्मनी और कई सारे यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद करने के लिए पहले अपने हथियार दे रहे थे, लेकिन जब उनके पास खुद के हथियारों के ऊपर संकट आ गया, जब उनकी हथियारों की इन्वेंटरी खाली होने लगी, उन्होंने तीसरे देश को ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए, जिनमें पाकिस्तान का नाम टॉप के ऊपर था। पिछले कई महीनों से हम खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान से हथियारों के कंसाइनमेंट लेकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लैंड हो रहे हैं। वहां से फिर लैंड बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान द्वारा मैन्युफैक्चर्ड ये एमुनेशन यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस तक पहुंचाया जा रहा है। इनकी पेमेंट भी यूक्रेन नहीं करता है, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के देश इसकी पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान के यूक्रेन को एमुनेशन भेजने की खबरों के कई सारे सबूत पहले भी मिल चुके हैं। पिक्चर्स के साथ साथ वीडियो क्लिप्स भी सामने आई थी। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर पाकिस्तान इतने मुश्किल समय में रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है, तो हथियारों की पेमेंट के अलावा भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूरोप के देशों द्वारा कुछ न कुछ और भी दिया ही जाएगा। यूरोपियन यूनियन के देश और भी ऐसी चीजें करेंगे जिनसे पाकिस्तान को फायदा हो। एंड कुछ इसी तरह का फैसला यूरोपियन यूनियन ने इस बार भी लिया है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन वहाँ पर पुलिस या फिर आर्मी के ऊपर हमले हो रहे हैं। स्कूल या फिर मस्जिदों को छोड़ ही दो, अब पुलिस हेडक्वार्टर्स भी पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर्स तक के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरकार का पीस एग्रीमेंट खत्म हो गया है। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी अलग से एक्टिव है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाले कई सारे आतंकी संगठनों की भी लगातार फंडिंग करता है। मगर इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने अपनी हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था, और अब यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की सरकार यूरोप की कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और यूरोप की कंट्री से लोन सिक्योर कर सकती है। और इसका ये भी मतलब बनता है कि पाकिस्तान की सरकार अब टेरर फाइनेंसिंग नहीं कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान की जो इस समय आर्थिक हालात चल रही है, उसको देखते हुए ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के साथ होने वाली सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर मॉनिटरिंग हटा देगा। इससे पहले जब पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में था, उस समय जब भी पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स और पाकिस्तान की एंटिटीज जब भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस करती थी, उन्हें उससे पहले यूरोप के लीगल और इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के साथ एनहेंस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ये स्क्रूटिनी पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट से बाहर निकालने पर यूरोपियन यूनियन को थैंक्स बोला है, और अपने देश के लोगों को बताया है कि ये उनके लिए बहुत ही बड़ी जीत है। आप सोचिए कि यूरोपियन यूनियन ने UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक को अपनी हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट में अभी भी रखा है, लेकिन पाकिस्तान को निकाल दिया है, जहां पर आए दिन कई सारे आतंकी हमले हो रहे हैं, और जाहिर है कि उनकी फंडिंग भी पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ना कहीं से हो रही होगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन को लगता है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से सेफ है। खैर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्योंकि यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला लिया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।